हेलो हाय फ्रेंड, मैं मधुलिका, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL। मधुलिका UPRBL हमारे चैनल का नाम है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयरिंग करें। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ मैं आज का वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। फ्रेंड, हमारे नई जनरेशन में सबसे बड़ी समस्या है बालों की। जैसे बालों का सफ़ेद होना, बाल झड़ना, बालों में डैंड्रफ होना, बाल रूखे बेजान से रहना, तो चलिए फ्रेंड इन सब का सब समस्याओं का आज मैं हल लेके आई हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि मैं बताऊंगी वैसा ही आप लोग करना। फ्रेंड ये पूरा वीडियो देखना तभी आपके समझ में आएगा, और ध्यान से देखना फ्रेंड। तो सबसे पहले लेंगे हम मेथी। मेथी हमें मेथी जो है हमारे बालों को मजबूत करता है, हमारे बालों को काला करता है। तो देखिए हमें लेना है। हाँ फ्रेंड, एक बात और, अगर ये पहले बना के आप देख लेना, अगर ये आपको सूट करता है तभी आप यूज करना। तो एक चम्मच हो गया, ये दो, तीन, चार, पाँच, ये हुआ मेथी दाना। फिर उसके बाद लेना है हमें कलौंजी। अब फ्रेंड देखिए मैं कलौंजी दिखाती हूँ आपको, क्या है ये कलौंजी लेना है। इसे कहीं कहीं मगरायल भी बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड इसको भी लेना है हमें 10 चम्मच, क्योंकि ये काला होता है इससे हमारे बाल काले होंगे। अगर आपके फ्रेंड बाल सफ़ेद हैं तो ये काले कर देगा, अब काल एकदम काले हो जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब फ्रेंड इसको मिक्सी में पीस लेना। चलिए फ्रेंड मिक्सी में पीसने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए मेरा मेथी और कलौंजी दोनों पीस लिए हैं। अब हम बताते हैं आपको, सबसे पहले एक जार लेना है इसमें, या तो फिर आप किसी डिब्बे उब्बे में ऐसे इसको डाल लेना है। फिर उसके बाद आपको डालना है तेल, फिगारो का तेल। हाँ फ्रेंड, इससे जो है बाल घने होते हैं, फिगारो के तेल से बाल घने होते हैं। जैसे कि आप पार्लर में जाइए तो पार्लर वाली दीदी, अगर आपके आईब्रो नहीं आते तो वो क्या बोलेंगे, अगर उनसे आप एडवाइस मांगो कि मेरे आईब्रो इतने ज़्यादा घने नहीं, मुझे आईब्रो घने चाहिए, तो क्या बोलती है, फिगारो का तेल लगाओ। फिगारो के तेल लगाने से आपके बाल घने होते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें हम डालेंगे फिगारो का तेल। देखिए फ्रेंड कम से कम आधा कप हमें फिगारो का तेल डालना है। तो हम अंदाज से ऐसे डाल रहे हैं, और इसमें जो दूसरा चीज़ है वो मिलाना है हमें नारियल तेल। इससे भी बाल सिल्की होते हैं, लंबे होते, घने होते हैं, और कलौंजी से तो बाल काले होते हैं। देखिए नारियल तेल डाल रहे हैं, और हाँ फ्रेंड अगर आपको इसमें और ऐड करना है तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, मगर हम सरसों का तेल नहीं डालेंगे फ्रेंड। अगर आपको ऐड करना है तो आप सरसों का। देखिए फ्रेंड मेरा तेल बन के तैयार हो गया है, मगर ये तेल अभी नहीं लगाना है, अभी हमको ये धूप में रखना है। कम से कम 10 दिन तक तो धूप में रखना है। जिसको ज़्यादा जल्दी पड़ी है लगाने की तो वो 3 दिन बाद इसको लगा सकता है। और फ्रेंड इसको बीच बीच में ऐसे चलाते रहना, क्योंकि ये जम जाएगा, जब धूप में रखेंगे तभी इसका कलर देखिए आएगा। देखिए कलर तो अभी आने लगा, मगर धूप में पूरी तरह से कलर आएगा। तो फ्रेंड आप लोग ऐसे कीजिए प्लीज़, आपके बाल जो सफ़ेद हैं वो काले हो जाएंगे और आगे सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयरिंग कीजिए, और कल नेक्स्ट वीडियो में फिर